नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलिनियस मास्टर फिर से हाजिर हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में कर्नाटक सर्कल ने अपना रूल 38 ट्रांसफर जारी कर दिया है। कैंडिडेट के जो नाम है और उनके लिस्ट, कौन से कैंडिडेट कहाँ जाना चाह रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि ये देख रहे हैं लिस्ट ऑफ इंटर सर्कल ट्रांसफर अंडर रूल 38। ये आउटवर्ड जितने हैं मतलब कर्नाटक से जो बाहर जाना चाहते हैं उन सबके इसमें लिस्ट होंगे, इनके नाम होंगे इस लिस्ट में। जैसा कि यहाँ मैं देख रहा हूँ सबसे पहले आ रहा है इसमें सर्कल वाइज जारी कर दिया गया। जैसे आंध्र प्रदेश सर्कल, इसमें ये है क्या, पोस्टल असिस्टेंट रिक्वेस्टिंग फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर अंडर रूल 38। यहाँ पे जो नाम दे रखा है सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट का है जो कि आंध्र प्रदेश जाना चाहते हैं। अभी कर्नाटक में वो जॉब कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश के किसी सर्कल किसी डिवीजन में जाना चाह रहे हैं, उनके नाम है सारे पोस्टल असिस्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे उनका ज्वाइनिंग डेट दे रखा है, कब ज्वाइन किया है, रिक्रूटमेंट कैसा है, डायरेक्ट है या प्रमोशनल है, उसके बाद उनकी कैटेगरी क्या है, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्पेशल कंडीशन है या म्यूचुअल जा रहे हैं, वो सब का दे रखा है यहाँ पे। जैसा कि ये एक कैंडिडेट है जो म्यूचुअल जा रहा है, ये इस कैंडिडेट के साथ इसका म्यूचुअल हो रहा है तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे डिटेल दे रखा है जिस कैंडिडेट के साथ म्यूचुअल जा रहा है। यहाँ पे जो उस डिवीजन के लिए वो अप्लाई किया हुआ है, जहाँ पे वो जाना चाह रहा है वो डिवीजन दिया गया है, यहाँ पे उस सर्कल का नाम दिया गया है। ऐसे करके सारे नाम है। जैसे कि आंध्रा के लिए मैं देख रहा हूँ कि 22 सबसे ज़्यादा आंध्रा, कर्नाटक से सबसे ज़्यादा आंध्रा जाने वाले कैंडिडेट हैं जो कि पोस्टल असिस्टेंट है, वहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। ये सारे वही है जो आंध्र प्रदेश जाना चाह रहे हैं। टोटल कैंडिडेट अभी तक 57 हो चुके हैं, देखते हैं कितने हैं। हाँ तो यहाँ तक 63 तक जो हैं ये सब लोग पोस्टल असिस्टेंट है जो कि कर्नाटका में पोस्टेड है और ये लोग आंध्रा जाना चाहता है, अलग अलग डिवीजन से हैं। उसके बाद आता है बिहार सर्कल। बिहार सर्कल से बहुत सारे PA वहाँ पे हैं जो कि कर्नाटक में ज्वाइन किया हुआ है। ये सारे 2014 बैच के हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप, सब 2014 में इन लोगों ने ज्वाइन किया है। ऐसे उस टाइम से इनको एक फ़ायदा ये हो गया है कि बाकी सब जो भी सर्कल का उस टाइम एग्जाम हुआ था उन सब में इनकी ज्वाइनिंग पहले हुई थी तो इनकी सीनियरिटी बढ़ गई है। बाकी जगहों पे जैसे तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन लोगों की ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट 2015-16 में ऐसे हुई है, बट ये लोग 2014 में ज्वाइन कर लिया था तो ये लोग सीनियर हो गया है, इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा पहले मिलेगी बाकी लोगों से जो 2014 बैच के हैं, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग 2015-16 में हुई है, बट इनकी ज्वाइनिंग 2014 में ही हो गई थी तो ये लोग सीनियर हो गए हैं सर्विस के रिकॉर्ड के अनुसार। इसमें देख सकते हैं कि ये लोग कोई पटना डिवीज़न जाना चाहता है, कोई मुजफ्फरपुर, कोई वैशाली, कोई सिवान, कोई पटना डिवीज़न, ऐसे करके बिहार सरकार का अलग अलग ये लोग डिवीज़न में जाना चाहता है। यहाँ पे सिर्फ PA जो कैंडिडेट है पोस्टल असिस्टेंट उनके ही नाम दिए गए हैं। ये सारे लोग वही हैं जो कि बिहार के अलग अलग डिवीज़न में जाना चाहते हैं। उसके बाद 18 कैंडिडेट जो थे वो जो बिहार जाना चाहते हैं कर्नाटका से। उसके बाद एक पोस्टल असिस्टेंट है जो दिल्ली जाना चाहता है कर्नाटका से। इसका जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि 2018 बैच का ज्वाइनिंग है, बट ये फिजिकली चैलेंज पर्सन है इसलिए इसको स्पेशल कैटेगरी में इसको मिल गया है। 2 साल पूरा होने से पहले इसका प्रोवेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी इसको कंसिडर किया गया है क्योंकि इसका स्पेशल कैटेगरी PH में आता है। उसके बाद केरला जाने वाले 3-2 कैंडिडेट हैं जो पोस्टल असिस्टेंट कर्नाटका में पोस्टेड हैं। महाराष्ट्र के लिए एक कैंडिडेट है, पंजाब के लिए भी एक कैंडिडेट है। उसके बाद तमिलनाडु का देखते हैं, तमिलनाडु के लिए 3 कैंडिडेट है जो कि कर्नाटका से तमिलनाडु आना चाहते हैं। उसके बाद तेलंगाना सर्कल है, तेलंगाना के लिए देखते हैं कितने कैंडिडेट हैं। तेलंगाना के लिए 13 कैंडिडेट हैं जो कि कर्नाटका से तेलंगाना जाना चाहते हैं, सारे पोस्टल असिस्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक कैंडिडेट है। उसके बाद आता है लिस्ट सॉर्टिंग असिस्टेंट, जितने सॉर्टिंग असिस्टेंट वहाँ पे पोस्टेड हैं वो कौन से कहाँ पे जाना चाहते हैं उनके डिटेल सब शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले फिर से आ गया आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये 10 तो इसी में हो गए सॉर्टिंग असिस्टेंट जो कि आंध्र प्रदेश के किसी डिवीजन में जाना चाह रहे हैं। टोटल 17 हैं जो कि कर्नाटका में पोस्टेड हैं लेकिन वो सब लोग सॉर्टिंग असिस्टेंट हैं और आंध्र प्रदेश के किसी डिवीज़न में जाना चाहते हैं। उसके बाद बिहार सर्कल आता है। बिहार सर्कल में भी यहाँ तक तो 5 कैंडिडेट हो गए, ज़्यादातर को मैं देख रहा हूँ सब पटना डिवीज़न ही मांग रखा है। कुछ लोगों ने पटना सॉर्टिंग डिवीज़न लिख रखा है बट एक्चुअल नेम उसका PT डिवीज़न होना चाहिए,
पीटी डिवीजन लिखना चाहिए, जैसे आरएमएस पीटी डिवीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पीटी डिवीजन भी लिखा जा सकता है, नॉर्थ बिहार डिवीजन, पटना डिवीजन, ये सब एक्चुअल में डिवीजन का नाम नहीं है, लेकिन वो लोग कंसिडर कर लेगा, एक्चुअल डिवीजन का नाम पीटी डिवीजन है। टोटल 7 कैंडिडेट हैं जो सॉर्टिंग असिस्टेंट कर्नाटका में है और बिहार के लिए जाना चाहते हैं। उसके बाद झारखंड का नंबर आता है, झारखंड के लिए भी 2 कैंडिडेट सॉर्टिंग असिस्टेंट जो कर्नाटका में वो अप्लाई किए हुए हैं, आरएमएस रांची एक जाना चाह रहा है, दूसरा रांची डिवीजन, मतलब दोनों लोग रांची डिवीजन के लिए ही अप्लाई किए हुए हैं। उसके बाद तेलंगाना के लिए भी 2 कैंडिडेट है, उत्तर प्रदेश के लिए 1 कैंडिडेट है, वेस्ट बंगाल के लिए भी 1 कैंडिडेट है जो कोलकाता एयरपोर्ट डिवीजन जाना चाह रहा है। तो ये सॉर्टिंग असिस्टेंट जितने थे उन लोगों के डिटेल्स थे। आगे आते हैं, यहाँ पे है जो पोस्टल असिस्टेंट COR में काम कर रहे हैं, ये पोस्टल असिस्टेंट हैं, इन सर्कल ऑफिस या रीजनल जो ऑफिस है वहाँ पे काम करते हैं, उनके डिटेल्स हैं वो लोग जो जानना चाहते हैं। तो इसमें भी तेलंगाना है, एक बिहार सर्कल के लिए भी है, एक पंजाब सर्कल CPMG ऑफिस, एक न्यू दिल्ली CPMG ऑफिस के लिए, ये 4 कैंडिडेट यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि COR में काम करते हैं और ट्रांसफ़र अप्लाई किया हुआ है। यहाँ भी एक देख रहा हूँ कि स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट है जो 2018 में ज्वाइन किया हुआ है, जिसको अभी कंसीडर किया जा रहा है 2 साल पूरा होने से पहले, क्योंकि ये भी फिजिकल चैलेंज पर्सन है इसलिए इसको कंसीडर किया गया है। ये RLO के लिए आ गया, रिटर्न लेटर ऑफिस जो होता है वहाँ पे जो पोस्टल असिस्टेंट है, एक तेलंगाना सर्कल जाना चाह रहा है, एक उत्तर प्रदेश जाना चाहता है, RLO हैदराबाद, RLO लखनऊ जाना चाहता है। तो ये 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो RLO में पोस्टिंग है कर्नाटका में, और वो लोग हैदराबाद और लखनऊ जा रहा है। उसके बाद ये पोस्टमैन का यहाँ से शुरू हो गया, पोस्टमैन जो है वहाँ पे वो लोग कहीं जाना चाह रहा है, जैसे कि एक पोस्टमैन का नाम दिया हुआ है जो कि तमिलनाडु में कृष्णागिरी डिवीजन में आना चाह रहा है बेंगलुरु से। तो ये सारे डिटेल्स थे जो लोग इंटर सर्कल ट्रांसफ़र अप्लाई किए हुए हैं, चाहे वो पोस्टल असिस्टेंट हो, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो, सब लोग कर्नाटक में जो काम कर रहे हैं वो अलग अलग सर्कल के लिए जाना चाह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अपने अगले वीडियो में फिर से कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।